मेरा नाम मनीषा रमेश टिमरे है, कॉलेज नेम NMD कॉलेज गोंदिया, क्लास फर्स्ट ईयर BCOM हिंदी मीडियम। असाइनमेंट गाइडलाइन विक्रम प्रथियानी सर। असाइनमेंट टॉपिक बैकग्राउंड ऑफ न्यू कंपनी, कंपनी अधिनियम 2000 की पृष्ठभूमि। पहला, कंपनी अधिनियम 1956 तक लागू रहा। दूसरा, पहली बार कंपनी बिल 3 अगस्त 2009 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तीसरा, 18 दिसंबर 2012 को राज्यसभा व 8 अगस्त 2013 को पारित किया गया। चौथा, कंपनी अधिनियम 2013 में 29 अध्याय 470 धाराएं व 7 अनुसूचियां हैं। कंपनी अधिनियम 1956-57 तक लागू रहा क्योंकि इन 56 वर्षों में बहुत ज़्यादा संशोधन हुए। इन वर्षों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पर्यावरण में अनेक बदलाव भी आए तथा देश में औद्योगिक व वित्तीय क्षेत्र में भी बहुत प्रगति हुई। इन परिस्थितियों में 1956 के अधिनियम की कमजोरी को दूर करने के लिए एक सशक्त व सामायिक कंपनी अधिनियम बनाना आवश्यक हो गया था। दूसरा, पहली बार कंपनी बिल 3 अगस्त 2009 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया क्योंकि इस बिल को लोकसभा की वित्तीय स्थायी समिति को परीक्षण के लिए एवं इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सौंपा गया। इस समिति ने कंपनी अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 2010 को जारी की जिसमें बहुत से सुझाव दिए गए। कंपनी बिल 2009 को लोकसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात केंद्र सरकार के पास इस बिल में परिवर्तन करने के लिए व अन्य बहुत से सुझाव आए। इन कारणों से केंद्रीय सरकार ने कंपनी बिल 2009 को वापस ले लिया तथा एक नई कंपनी बिल 2012 को लोकसभा में लाने का निर्णय लिया जिसमें लोकसभा की स्थायी समिति व अन्य पक्षों में सुझावों को शामिल किया गया। तीसरा, 18 दिसंबर 2012 को राज्यसभा व 8 अगस्त 2013 को पारित किया गया क्योंकि इस बिल को राष्ट्रपति ने 29 अगस्त 2013 को स्वीकृति दी और उस दिन से कंपनी अधिनियम 2013 भारत में लागू हो गया। बिल अधिनियम बनते हैं तो कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है, जैसे बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है और लोकसभा में भेजा जाता है, अधिकतम मतदान के साथ वो वापस हो जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति महोदय को के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति महोदय स्वीकार कर लेते हैं तो उस दिन से वो बिल अधिनियम बन जाता है, 2013 से अधिनियम लागू हो जाते हैं। चौथा, कंपनी अधिनियम 2013 में 29 अध्याय 470 धाराएं व 7 अनुसूचियां है। इस अधिनियम का काफ़ी बड़ा भाग पुस्तक से बनाए गए नियमों के रूप में है जिसके अतिरिक्त भारत सरकार को इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को समय समय पर परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं NMD कॉलेज BCOM फर्स्ट सेम का छात्र हूँ। मेरा टॉपिक नेम कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्ट है, गाइडर बाय विक्रम प्रथानी सर। कंपनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द कंपनी से हुई थी। कंपनी शब्द की यह हम बात करें तो यह दो शब्द कॉम और पेनिस से मिलकर बना हुआ है। इसमें प्रथम शब्द कॉम का अर्थ साथ साथ तथा पेनिस का अर्थ रोटी से लगाया जाता है। इस तरह से यदि हम लैटिन भाषा के अनुवाद कंपनीज का अर्थ निकालेंगे तो इसका मूल अर्थ साथ साथ भोजन करने से लगाया जा सकता है। कंपनी शब्द की उत्पत्ति के शुरुआती दोनों की यदि हम बात करें तो कंपनी शब्द का उच्चारण व्यक्तियों के
उस समूह के लिए किया जाता था जो साथ बैठकर भोजन किया करते थे और वक्त वक्त भोजन करते समय समूह के लोगों के बीच व्यवसाय अर्थात बिजनेस या कामकाज की भी बातें हुई करती थी। इससे इस कंपनी नामक शब्द की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन वर्तमान में कंपनी का अर्थ एक ऐसे संगठन से लगाया जाता है जिसमें संयुक्त रूप से पूंजी विनिर्माण होता है, अर्थात कुछ व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से पूंजी का समायोजित कर एक संगठन का निर्माण किया जाता है। कंपनी की परिभाषा और अर्थ। सामान्यतः व्यवहारिक जीवन में कंपनी का अर्थ व्यवसायिक उद्देश्य के लिए निर्माण बहुत सारे व्यक्तियों के एक संगठन से लगाया जाता है। कंपनी में संगठन के उद्देश्यों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसे हम फर्म या साझेदारी नहीं कहा जा सकता है। कंपनी का प्रत्येक उद्देश्य अन्य सदस्यों की सहायता के बिना अपने हितों को हस्तांतरित कर सकता है। वर्तमान में देश भर से अधिकतम कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 तथा 1956 से अधिक स्थापित कंपनियां हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जो धारा 3 के परिभाषित की गई है। इसके अलावा विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा भी कंपनी की परिभाषा दी गई है। सारे न्यायाधीशों के विधानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का विश्लेषण करके यही बात सामने आती है कि कंपनी वैधानिक रूप से निर्णय तथा अंतिम व्यक्ति के तौर पर कार्य करती है। इसका अस्तित्व अलग होता है, अर्थात किसी व्यक्ति की कंपनी छोड़ जाने या कंपनी से अलग हो जाने पर कंपनी का अस्तित्व थोड़ी जैसा ही बन जाता है। अलग कानूनी अस्तित्व। चूंकि कंपनी का निर्णय कानून द्वारा होता है, इसलिए कंपनी का कानूनी अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। यही कारण है कि कंपनी अपने किसी भी सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध अर्थात एग्रीमेंट कर सकती है, या कंपनी का कोई भी सदस्य कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट कर सकता है। इसलिए एक कंपनी अपने अंशधारों के प्रति दावा प्रत्यय कर सकती है तथा ठीक इसके विपरीत अंशधारी कंपनी के विरुद्ध दावा प्रत्यय कर सकते हैं। उपयुक्त बातों के अलावा कोई भी अंशधारी कंपनी के कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, चाहे वह कंपनी का स्वामी अथवा उसके कंपनी के सभी अंशों को खरीद लिया हो ही क्यों न हो। दूसरा, एक कृत्रिम व्यक्ति। जैसे कि हम उपयुक्त वाक्यों में भी बता चुके हैं कि कोई भी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति अर्थात आर्टिफिशियल पर्सन के समान कार्य करती है। कंपनी का अस्तित्व उससे शुरू रहने वाले व्यक्तियों पर निर्माताओं से बिल्कुल प्रथम प्रतीक अर्थात भित्र होता है। जहाँ तक कंपनी के निर्णय संगठन का समापन का सवाल है, यह केवल विधान अर्थात कानून के मुताबिक ही किया जा सकता है। जिसके तरह से एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सामने संपत्ति बेच सकता है या इसके उलट अन्य व्यक्ति के संपत्ति खरीद सकता है, ठीक उसी प्रकार कंपनी भी किसी दूसरे कंपनी या व्यक्ति के संपत्ति खरीद भी सकती है और उसे बेच भी सकती है। इसके अलावा अनेक उदाहरण भी है, जैसे जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करा सकती है, उसके उलट दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं, ठीक उसी प्रकार एक कंपनी भी कंपनी पर व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकती है तथा दूसरे व्यक्ति की कंपनी उस कंपनी पर मुकदमा चला सकते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ उद्यम अर्थात अनुबंध कर सकता है, उसी प्रकार कंपनी द्वारा जारी किए हुए प्रपत्रों पर कंपनी की मुहर लगाई जाती है।
जो कि कंपनी के हस्ताक्षर की परवाह मानी जाती है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि व्यापार अर्थात बिजनेस के लिए जितने अधिकार मनुष्य प्रयोग कर सकता है तथा जिनके उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां मनुष्य पर होते हैं, उतने ही अधिकार व उत्तरदायित्व कंपनी के लिए भी होते हैं। मनुष्य और कंपनी में अंतर केवल इतना ही है कि मनुष्य एक जीवित व्यक्ति है और उनका जन्म व मृत्यु कानून द्वारा निर्धारित नहीं होता है, जबकि कंपनी एक निर्जीव कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी स्थापना भी कानून द्वारा की जाती है और उसका अस्तित्व भी केवल कानून द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। तीसरा, सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा अर्थात कायमशील कंपनी के अस्तित्व का प्रतीक होता है। किसी दस्तावेजों पर इस जाने पर ही किसी कंपनी का दस्तावेज ठहराया जा सकता है। कायमशील पर कंपनी का नाम खुदा रहता है। इस कायमशील के अंतिम होते ही कंपनी के सभी प्रलेख तथा प्रपत्र कंपनी को वैधानिक रूप से उत्तरदायी ठहराया सकते हैं। इसके लिए जिस प्रलेखों को कंपनी की ओर से लिखा गया हो लेकिन उन पर कंपनी के कायमशील न लगाई गई हो, इस स्थिति में उन प्रलेखों के प्रति कंपनी उत्तरदायी न होकर वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा जिसने उस प्रलेखों पर हस्ताक्षर किए थे। चौथा, शासक उत्तराधिकार। कंपनी की यह विशेषता के अंतर्गत कंपनी का शासक उत्तराधिकार होता है, यानी कि स्थायी अस्तित्व होता है। इसका अभिप्राय यह है कि कंपनी का जीवन उसके सदस्यों के जीवन पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहता है। अतः किसी सदस्य के मर जाने या दिवालिया हो जाने या कंपनी से अलग हो जाने इत्यादि गतिविधियों का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी में एक के बाद दूसरा सदस्य आता व जाता रहता है, परंतु कंपनी या अस्तित्व पहले जैसा ही बना रहता है। मायसेल्फ मीनाक्षी जोरागड़े, आई नरीन बीकॉम फर्स्ट ईयर। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार में हम देखेंगे कंपनी की परिभाषा। कंपनी की परिभाषा न्यायाधीश जेम्स के अनुसार कंपनी का आशय सामान्य उद्देश्य से संगठित व्यक्तियों के संघ से है। दूसरी परिभाषा है कंपनी स्वभाव से ही कृत्रिम व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थापित की जाती है। अब हम देखेंगे कंपनी के प्रकार। पहला प्रकार है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी में अंशधारी का दायित्व क्रय किए गए अंशों की राशि तक सीमित होता है। दूसरा प्रकार है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्य उस कंपनी के समापन की दशा में वह राशि देने के लिए उत्तरदायी होते हैं जितनी राशि देने के लिए उन्होंने वचन या गारंटी दी है। तीसरा प्रकार है असीमित कंपनी। असीमित कंपनी से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहे जब किसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है तो वह कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। चौथा प्रकार है निजी कंपनी। निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि है, जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1,00,000 रुपए हो। पांचवा प्रकार है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है, जिसकी निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है। छठवां प्रकार है सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसकी ऐसी कंपनियां सहायक कंपनियां हैं। सातवां प्रकार है एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। आठवां प्रकार है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी का कम से कम 51% केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पास हो। नौवां प्रकार है विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका समामेंडन भारत से बाहर हुआ हो।